केजरीवाल से पहले एक लालची कुत्ते की कहानी बताता हूँ। एक लालची कुत्ते ने एक घर से आधी रोटी चोरी की। इसके बाद वो ऐसी जगह तलाशने लगा जहाँ शांति से बैठकर वो रोटी खा सके, और इस चक्कर में जब वो आगे बढ़ने लगा तो एक पुल से गुजरा। पुल के नीचे उसे अपनी परछाई दिखाई पड़ी और उस परछाई के मुँह में भी एक आधी रोटी थी। अब उसे लगा कि क्यों ना ये आधी रोटी भी छीन ले, इसके बाद पूरी एक रोटी हो जाएगी और आराम से बैठ के पूरी रोटी खाएंगे। और इसी क्रम में जब उसने अपना मुंह खोला आधी रोटी छीनने के लिए, तो जो उसके मुंह में आधी रोटी थी वो भी नीचे गिर गई। अब वो आधी रोटी तो गई ही, जो परछाई के मुंह में भी आधी रोटी थी वो भी गायब हो गई। और इसी पर ये लोकोक्ति बनी है, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। अब यही कहानी और लोकोक्ति केजरीवाल के साथ घटित हो रही है। अब क्यों ये बताता हूँ। 16 अप्रैल को जब दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था, तब केजरीवाल ने क्या किया था याद है ना? क्या किया था और क्या कहा था? दंगे की सारी जिम्मेदारी भाजपा पर डाल दी और ये कहा कि दिल्ली में भाजपा ने जानबूझकर रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिमों को बसाया है और इसी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। आप ये बयान सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को क्यों बसाया? इन्होंने बांग्लादेशी मुसलमानों को बसा रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बसाया। ये भाजपा के नेता है, इन बांग्लादेशियों को, इन रोहिंग्याओं को बसा दिया। ये बात तो सच थी कि जहांगीरपुरी में जिस जगह पर दंगा हुआ था वहां रहने वाले अधिकतर लोग रोहिंग्या थे, और ये मीडिया रिपोर्ट से भी पता चलता है। जाहिर है एमसीडी ने 20 अप्रैल को कुछ ही दिन बाद वहां पर अपना बुलडोजर भेज दिया और जो अवैध निर्माण है, जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम है, उनके निर्माण, अवैध निर्माण गिराने लगे। अब इसके बाद तो आम आदमी पार्टी के सुर ही बदल गए। अब वो ये कहने लगे कि भैया ये क्यों गिरा रहे हो, भाजपा का दफ्तर गिराओ। ये भी सुन लीजिए। ये गुंडई, ये लफंगई बंद करनी है, बीजेपी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे बुलडोजर चलवा दो, दंगे रुक जाएंगे। अमित शाह के घर पे बुलडोजर चलवा दो, दंगे रुक जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पे, उनके मुख्यालय पर बुलडोजर चलाइए। बुलडोजर भाजपा के हेडक्वार्टर पे चलना चाहिए। अब आम आदमी पार्टी की बातों को भाजपा ने बहुत सीरियसली ले लिया। एक तो उन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिमों पर जिम्मेदारी थोपी थी, उसका भी हिसाब करना था। बुलडोजर भेजने की भी बात आम आदमी पार्टी कर रही थी। अब जो भाजपा, एमसीडी शासित भाजपा ने जो प्लान तैयार किया है, उसमें नगर निगम ने ये तय किया है कि दिल्ली के उन सभी इलाकों में जहाँ रोहिंग्या या बांग्लादेशी मुस्लिम रहते हैं और अवैध निर्माण करके यहाँ के लोगों का जनजीवन तंग कर रहे हैं, उस पर भी बुलडोजर चलेगा। आप रिपोर्ट में देख सकते हैं। इसके बाद तो आम आदमी पार्टी को दस्त ही शुरू हो गई। जिसको जो मन में आ रहा है वही बोल रहा है, कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, कोई भलसवा डेयरी की बात कर रहा है, कोई गुंडागर्दी की बात कर रहा है। अब ये भी आप सुन लीजिए। भाजपा के लोगों को सबसे पहले आज भलसवा में जाकर के और सर्वे करना चाहिए कि आखिर 15 साल में उन्होंने क्या किया था कि जो आज दिल्ली के लोगों को इस तरह से आग से जूझना पड़ रहा है। बुलडोजर चलाए होते 15 साल तो ये पहाड़ नहीं खड़ा होता। आज इनकी नींद जागती है कि ये दुकानें अवैध है, ये रोहिंग्या है, आज इनकी ये रोहिंग्या है, ये बांग्लादेशी है। पहले तो इन लोगों ने प्लांट करवाया, पैसे ले लेके उन लोगों को वो दिया। सिर्फ और सिर्फ जनता को डरा कर, ये अतिक्रमण के नाम पर जनता को डरा कर और सिर्फ और सिर्फ पैसे की उगाही करना चाहते हैं। इतना सारा बयान सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि केजरीवाल और उनकी टीम के लोग किस प्रकार से राजनीति में डबल गेम खेलते हैं। राजनीति ही उनके लिए एक गेम है, एक खुला चैलेंज है। मर्द के बच्चे हो तो सामने आके राजनीति करो। लेकिन सच्चाई ये है कि राजनीति में रंग बदलने में केजरीवाल ने गिरगिट को भी मात दे दी। अब आप पूरा पैटर्न समझिए कि क्या हो रहा था, क्या किया गया और कहां जाकर के केजरीवाल अपने ही जाल में फंस गए। अब आप देखिए कि ये तो सब जानते हैं कि हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा पर किस तरह से पथराव किया गया, किसने किया,
इसके बाद इस मामले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया और जिन लोगों के खिलाफ एनएसए लगाया गया, मतलब सबसे गंभीर आरोप है, उसमें जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई वो कौन है? लेकिन केजरीवाल को इससे क्या लेना देना, अभी वो सब कुछ भूल गए हैं, वो अल्पसंख्यक के वो सब भूलना चाहते हैं, मतलब भूल क्या गए, नौटंकी कर रहे हैं। और इसकी वजह ये है कि उन्हें अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश का चुनाव जीतना है और उसके हिसाब से रणनीति तय कर रहे हैं। पंजाब में जाते हैं तो बकौल कुमार विश्वास वहाँ पर खालिस्तानियों से उनके संबंध हैं, अब जब दूसरे राज्य जा रहे हैं तो वहाँ के हिसाब से उनकी नीतियाँ बन रही हैं। जबकि एक सच्चाई ये है कि केजरीवाल की छवि तुष्टीकरण की बन रही है। और हम मतलब आपने देखा होगा कि राम मंदिर का विरोध करने से लेकर रोहिंग्या को बसाने तक जितने भी विषय सामने आए इससे जुड़े हुए, जनता के बीच ये मैसेज जा चुका है कि केजरीवाल अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण के दम पर अपनी सत्ता चला रहे हैं। और यही वजह है कि जहांगीरपुरी में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने अपना स्टैंड बदल लिया, किसी और ने नहीं बदला। कांग्रेस फिर वही अल्पसंख्यक कर रही है, लेफ्ट वाले तो पहुंच ही गए, पूरा इकोसिस्टम पहुंच गया, लेकिन केजरीवाल ने अपना स्टैंड बदल लिया। यहां तक कि आप देखिए जहांगीरपुरी हिंसा में जो मुख्य आरोपी है अंसार, वो भी आम आदमी पार्टी का ही नेता निकला। और इससे पहले याद है ना, साल 2020 में दिल्ली हिंसा में जो मुख्य आरोपी है ताहिर हुसैन, वो भी आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद रहा है। लेकिन इस बार गुजरात और हिमाचल प्रदेश की सत्ता पर लाट टपका रहे केजरीवाल जी ने क्या किया, उन्होंने अंसार को तो माना ही नहीं अपनी पार्टी का नेता, बल्कि ये कह दिया कि ये तो भाजपा का नेता है। अब बताइए, भाजपा का नेता क्या जाके वहाँ दंगा करेगा, और खास करके अल्पसंख्यक समुदाय का वो क्यों करेगा, वो क्यों भड़काएगा? यही नहीं, केजरीवाल ने सीधे सीधे उसके बाद एक कदम आगे बढ़ते हुए कई सारे नेता, एक की नहीं कम से कम दसियों नेताओं की मैं बयान सुना हूं, मैंने आपको चार पांच सुना भी दिए, सब रोहिंग्या बांग्लादेशी मुस्लिमों का नाम ले लेकर के भाजपा को चढ़ाने लगे कि आप बसाते हो इसलिए कि आप दंगा कराओ। और ये मीडिया में सारी जगह रिपोर्ट भी है। और ये तब का हाल है जब आम आदमी पार्टी का ही विधायक और केजरीवाल का सबसे करीबी नेता अमानतुल्ला खान बड़े गर्व के साथ ये बताते रहे हैं कि रोहिंग्या को मैंने बसाया, मैंने मदद की, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, उनके जीवन की जितनी ज़रूरतें वो पूरी कर रहा हूँ। आप ये भी बयान एक बार की सुन लीजिए। रोहिंग्या जो है शरणार्थी हैं ये, और शरणार्थी को बसाने की जिम्मेदारी हुकूमत की है। हम लोग तो क्योंकि दिल्ली सरकार में है, मेरी विधानसभा पड़ती है, तो मैं ऐसे उनको कैसे बेघर कर दूं, कैसे उजाड़ के कहां जाएंगे वो उजड़ के। एक महीने का राशन और 10-10 हज़ार रुपया कैश मैंने दिए हैं हर एक फैमिली को, 10 हज़ार रुपया। और ये बात सिर्फ अमानतुल्ला खान ही बता रहे हो ऐसा नहीं है, बल्कि वहां रहने वाले जितने भी रोहिंग्या मुस्लिम है या बांग्लादेशी हैं जो अवैध रूप से रह रहे हैं, वो भी बड़े गर्व के साथ इस बात को बताते हैं कि दिल्ली सरकार मेरी मदद कर रही है, केजरीवाल की सरकार उनकी मदद कर रही है, खाना पीना से लेकर कैश पैसा देना तक सब कुछ वो कर रही है। कुछ एक आध बयान सुन लीजिए आप। दिल्ली सरकार जो है वो मदद कर रही है आपकी? मदद कर रहा है, मदद कर रहा है, मदद कर रही है दिल्ली सरकार। करिए। क्या क्या दिया आपको? और दिल्ली दिया है, कपड़ा दिया है, खाना भी दिया है, दिल्ली सरकार ने रहने के लिए जगह दिया है, तंबू दिया, वो दिया, बस पैसा दिया आपको दिल्ली सरकार ने? हाँ दिया है। अब जब केजरीवाल ने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया और भाजपा को चुनौती देने लगे, तो जाहिर है भाजपा ने भी इसे एक चुनौती को स्वीकार किया और पूरा का पूरा एक्शन प्लान तैयार हुआ। अब जिन घरों में बुलडोजर चलना है वो तो उन्हीं लोगों का घर है, और शाहीनबाग भी इसी फेरे में आ गया है। याद रखिए शाहीनबाग में कितना बड़ा आंदोलन हुआ था, और ये कहा गया था कि जो आंदोलन करने वाले लोग हैं उसमें से बहुत सारे लोग तो भारत के ही हैं ही नहीं। अब ऐसे लोग आंदोलन कर रहे थे, भारत की सत्ता को चुनौती दे रहे थे, तो भाजपा को एक अवसर भी मिला है जो MCD को है कि वो जो अवैध लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं, अवैध निर्माण कर रहे हैं, उनको गिराया जाए। जाहिर आम आदमी पार्टी की छद्म राजनीति का पर्दाफाश हो गया, वो ये समझ गई
कि अब रोहिंग्या के लिए मुंह नहीं खोला तो जो बची खुची राजनीति है वो भी चली जाएगी। अब वहाँ जीतेंगे नहीं जीतेंगे कौन जानता है। अब तो जानते हैं गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में क्या हाल हुआ आम आदमी पार्टी का। तो उसे लगा कि अगर अब नहीं बोले, अल्पसंख्यकों के लिए अभी चुप्पी साध ली, तो यहाँ से भी गए। अब इसी वजह से जैसे ही शाहीन बाग में अवैध अतिक्रमण को तोड़ने का मतलब एक कार्रवाई शुरू हो गई है, आम आदमी पार्टी बौखला गई है और धरना प्रदर्शन कर रही है और उसने खुलकर अब मैदान में मतलब पहुंच गई है। साथियों, कुल मिलाकर देखें तो केजरीवाल अपने ही फंदे में खुद ही फंस गए हैं। मैंने इस वीडियो की शुरुआत में एक कहानी सुनाई थी, लालची कुत्ते वाली, याद है ना। आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। अब केजरीवाल ये समझ गए हैं कि जो आधी है उसको छोड़ करके पूरी के चक्कर में वो अल्पसंख्यकों को दुत्कार रहे थे, वो बांग्लादेशी रोहिंग्या यही कर रहे थे, लेकिन भाजपा ने इतना सारा काम कर दिया है और उस चुनौती को इस तरीके से लिया है कि केजरीवाल को ये एहसास हो गया कि अगर मैंने अल्पसंख्यकों के लिए मुंह नहीं खोला तो वहाँ मिलना है नहीं मिलना वो तो पता नहीं है, जो यहाँ है यहाँ से भी हाथ धोना पड़ जाएगा। और यही केजरीवाल की सबसे बड़ी मुश्किल है, इसी वजह से वो अपनी ही बुने हुए जाल में फंसते दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।